आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, द क्वेश्चन इज द टू ऑर्गन पाइप्स ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल बट ऑफ डिफरेंट रेडियाई, द लॉस ऑफ साउंड विल बी। ओके, तो साउंड में लॉस जो होगा वो किसमें ज्यादा होगा, मोर फ्रॉम अ वाइडर पाइप या मोर फ्रॉम अ नैरो पाइप या सेम फॉर बोथ या नॉन ऑफ दिस। चलिए देखते हैं। देखिए, पाइप में जो वेव सेटअप होती हैं वो फ्रिक्वेंसी अलग अलग फ्रिक्वेंसी की होती हैं। अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी अगर बात करें ओपन एट बोथ एंड्स की ले लेते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऐसा दे रखा है कि दो केसेस दे रखे हैं। एक केस में लेंथ सेम रखा है, दोनों केसेस में मटेरियल सेम होने से उनमें टेंशन और उनमें मास पर यूनिट लेंथ भी सेम होना चाहिए। ओके, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बात करें, अगर ओपन इन बोथ इंच की बात करें दोनों केसेस में, केस वन और केस टू में, ओके, तो वो होता है एन वी बाई 12 के बराबर। अच्छा, ये एल जो होता है, एल डैश होता है एक्चुअली, ये इस एल के बराबर नहीं होगा जो लेंथ ऑफ द पाइप होगा, ये बल्कि एंड करेक्शन के बराबर होता है, मतलब एल प्लस ई के बराबर होता है। ये जहाँ ई जो होता है वो एंड करेक्शन होता है, एंड करेक्शन। और एंड करेक्शन की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.3 इंटू डी, जो डी जो होता है वो डायमीटर होता है इस पाइप का। ओके, तो अब देखो कि इसको अब लिख सकते हैं एन वी बाई टू एल प्लस ई की वैल्यू 0.3 डी। ओके, तो यहां से आप इस फॉर्मूले से आप देखो तो हम कह सकते हैं कि अगर डायमीटर बढ़ता है, ठीक है, डायमीटर बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी, कम होगी, क्योंकि ये जितना बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर उतना ही बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर जितना बढ़ेगा उतना ही इस पूरे होल वैल्यू को कम करता जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी को कम करता जाएगा। अब देखते हैं कि हम इसमें यही बात कर रहे हैं। अब देखो, फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने कैसे लॉस ऑफ साउंड से जोड़ा है, देखो कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो साउंड की बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा लाउडर साउंड होता है। ओके, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ फ्रीक्वेंसी को जोड़ा है। और हमसे पूछा गया लॉस ऑफ साउंड किसमें ज्यादा होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी किसमें सबसे कम होगी, जिसकी डायमीटर सबसे ज्यादा होगी। ओके, यानी कि जितना ज्यादा वाइडर पाइप होगा, वाइडर पाइप मतलब कि डायमीटर ज्यादा होना, तो जितना बड़ा डायमीटर होना मतलब वाइडर पाइप होगा उतना ही फ्रीक्वेंसी कम होगी, उतना ही लेस हमारा साउंड सुनाई देगा, उतना ही लॉस ऑफ साउंड होगा। ओके, देयरफॉर द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, मोर फ्रॉम अ वाइडर पाइप द लॉस ऑफ साउंड विल बी। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।